देखिए, कांग्रेस पार्टी देवली उनियारा में उपचुनाव मजबूती के साथ लड़ रही है। यहाँ केसी मीणा जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और साफ सभी के नेता हैं और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनके ऊपर ना तो कोई आरोप प्रत्यारोप है और साफ सभी के ईमानदार आदमी हैं और लोग उनको पसंद कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। समाज की आप बात करें, कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी है, सबको साथ में लेके चलने वाली पार्टी है और सबका मान और सम्मान कांग्रेस पार्टी में बराबर होता है। तो 36 कौम के लोग कांग्रेस पार्टी को लाइक करते हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ में मजबूती से खड़े हैं। बीजेपी धर्म और जाति की राजनीति ही करती है शुरू से ही और भ्रम और भ्रांतियाँ फैलाकर चुनाव जीतना चाह रही है। धरातल पर कुछ काम नहीं है, लगभग एक साल होने को है, लेकिन जो कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं थी वो सारी योजनाएं बंद कर दी और आप भी कुछ खास नया नहीं किया और बीजेपी के शासन में सब परेशान है, किसान परेशान है, युवाओं के रोज़गार की कोई बात नहीं करता, खाली भ्रम और भ्रांतियां फैलाने के अलावा बीजेपी सरकार में कुछ नहीं हो रहा है। क्या देखते हैं इसको रणनीति? देखिए, बीजेपी की सारी रणनीतियाँ फेल हो जाएगी। यहाँ से हरीश जी मीणा जी जो DGP रहे हैं राजस्थान के और वो नेक निर्भीक और ईमानदार अफसर की छवि में आते हैं और लगभग 5 साल सबसे लंबे समय तक DGP रहे। उन्होंने सब कानून व्यवस्था का अच्छा संभाला, जिम्मा संभाला था और 2 बार यहाँ से विधायक जीत चुके हैं, 3री बार अभी MP इसी क्षेत्र से हैं। तो पूरे लोग उनकी कार्यशैली से खुश हैं और उनको सब उनके नेतृत्व के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से प्लानिंग से चुनाव लड़ रही है बीजेपी कांग्रेस और बीजेपी को करारी शिकस्त देगी। देखिए, उपचुनाव के अंदर सब लोग खाली बैठे हैं तो बीजेपी ने तो पूरी मंत्रियों की सारी फौज लगा दी है यहाँ और फिर भी देवली उनियारा की जनता समझदार है, सोच समझ कर वोट देगी और कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार को यहाँ भारी मतों से विजय बनाएगी। देखिए, अमर्यादित भाषा का प्रयोग नेताओं को नहीं करना चाहिए, जनता खुद समझदार है, सोच समझ कर निर्णय लेगी और जो जनता फैसला करेगी वो एकदम सही और सटीक फैसला करेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रयास हैं सब जगह जीतने के, अपनी प्लानिंग के हिसाब से अच्छी रणनीति के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी जीतना हारना तो जनता के हाथ में है और जनता जिसको चाहेगी उसी को जिताएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूती चुनाव लड़ रही है। देखिए, बीजेपी शुरू से ही धर्म और राजनीति की बात करती है और भड़काव के अलावा अशांति फैलाने के अलावा बीजेपी के पास में कोई काम नहीं है। मुख्यमंत्री जी खुद को पता नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 कश्मीर से हटा दी है और फिर भी वो एक सार्वजनिक सभा के अंदर मंच से बोल रहे थे कि हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए। अरे, हटी हुई है तो तुम्हें पता ही नहीं है कि हट गई है, तो क्या आप लोगों को सिर्फ भ्रमित करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे? अंदर जो भी सहमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जो भी सहमित भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं उनकी हम निंदा करते हैं और भाईचारा शिष्टाचार हमेशा बना रहना चाहिए।